तो इस क्वेश्चन में दिया है कि एन एल्युमिनियम प्लेट फिक्स्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन हैज़ डायमीटर 2 सेंटीमीटर और स्टील स्फीयर हैज़ डायमीटर 2.005 सेंटीमीटर। ऑल द लेंथ रेफर्ड टू टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ एंटायर सिस्टम इज स्लोली इंक्रीज्ड एट व्हाट टेम्परेचर विल द बॉल फॉल डाउन। तो बॉल तो पहले समझते हैं क्या दिया हुआ कि एक तो शीट है उसमें एक तो होल है जिसका इनिशियली डायमीटर है 2.00 सेंटीमीटर। इनिशियली डायमीटर वैल्यू है 2.000 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है पूछ रहा है कि कब एक तो स्टील स्फीयर है जिसका डायमीटर है डी डैश और डी डैश है 2.005 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा कि वो टेम्परेचर बताओ जब ये स्टील स्फीयर इसमें इससे पार हो जाए इस होल से। तो ऐसा तभी होगा जब डी इज इक्वल टू डी डैश, तभी ना जब दोनों का डायमीटर सेम होगा तभी ना ये स्फीयर इससे थ्रू पार हो जाएगा। तो वही वो टेम्परेचर पूछना चाह रहा है। तो सॉल्व करते हैं, तो मान लेते हैं वो उस जिस समय स्फीयर उस होल से पार हो जाएगा उस समय एल्युमिनियम शीट में होल का डायमीटर होगा D1। तो ये इसका होगा इनिशियल डायमीटर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा ऑफ एल्युमिनियम डेल्टा टी। तो अब इससे पहले निकालते हैं, पहले उस टेम्परेचर पे एल्युमिनियम प्लेट का डायमीटर निकाल ले रहे हैं। इनिशियल डायमीटर है इसका 2 1 प्लस अल्फा ऑफ एल्युमिनियम कितना दिया हुआ है 23 × 10⁻⁶, 23 × 10⁻⁶ डेल्टा टी लिख ले रहे 2 प्लस 46 × 10⁻⁶ डेल्टा टी। अब उस टेम्परेचर पे स्फीयर का डायमीटर मान ले D2, वो हो गए उस वही फॉर्मूला यूज़ करके इनिशियल डायमीटर जो कि डी डैश माने थे 1 प्लस अल्फा ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ 11 × 10⁻⁶ अल्फा ऑफ स्टील है स्टील का स्फीयर है डेल्टा टी। तो डी डैश है 2.005 प्लस 2.005, अल्फा है 11 × 10⁻⁶ डेल्टा टी। तो वो उसे पास हो जाए उसके लिए D1 = D2 होगा। अब बस इक्वेट करना आंसर आ जाएगा, करते हैं तो इक्वेट 2 प्लस 46 × 10⁻⁶ × Δt इज इक्वल टू 2.005 प्लस 11 × 2.005 × 10⁻⁶ Δt। अब इसको सॉल्व करना होगा, पहले 11 × 2.005 निकाल ले रहा है, ये हो जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 22.0 में 22 ही हो जा रहा, पूरा ही लिख ले रहा है, ये अपना आ गया। इसको इधर भेज दे रहा है 2 को, तो ये हो जाएगा अपना 2.005 - 2, ये इज इक्वल टू 46 × 10⁻⁶ कॉमन ले ले रहे, तो अपना हो जा रहा है ये Δt × 10⁻⁶ और ये हो गया अपना 46 - 22 × 24 आ गया। अब डेल्टा टी का वैल्यू जो हो जाएगा वो अपना हो जाएगा
ये तो हो गया अपना 5 × 10⁻³ बाय इधर से आ गया 24 × 10⁵। बेसिकली 5000 बाय 24 ये अपना आ गया 2.208.3। ये इसको डेल्टा टी इनिशियल टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो था अपना 10 डिग्री सेल्सियस। तो अपना डेल्टा टी जो हो जाएगा वो होगा, मान लेते वो टेम्परेचर इसमें दोनों का डायमीटर सेम है उसको टी मान ले रहे, तो ये होगा T-10। तो अपना टी आ गया 208.3 + 10 बेसिकली 218.3 डिग्री सेल्सियस। यही हो गया अपना फाइनल आंसर।